सर आपको शर्म आना चाहिए, आप मेरे लतीफे सुना रहे हैं। देखो मेरे लतीफे तेरे लतीफे ये कोई प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, समझ गए? तो ये आप मुझे ये चीज तो कहे नहीं, ये ठप्पे होते हैं दूसरे आर्टिस्टों के। प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जी? क्या प्रूफ करेंगे? प्रूफ मेरी तो किताब भी छपी है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी किताब क्या छपी है? मौत के बाद क्या होगा? आप इतने सीनियर आर्टिस्ट, एक बच्चे की नकल कर रहे हैं? हाँ बच्चे की। तुम बच्चे हो, तुम गोद में हो। मैं गोद? तुम मुझसे भी 3 साल बड़े हो गए। परेशानी मुसीबत से मैंने लतीफे बनाए थे। तुमने क्या आग पे बैठ के बनाए थे? परेशानी क्या थी? तुमने कोई मजदूरी की थी? थोड़ा कल तुम जाना मेहंदी हसन का लेके और कह देना कि ये गजलें सारी मैंने गाई हैं, उन्होंने गलत किया। वैसे आप इसके लतीफे क्यों सुनाते हैं? व्यूअर्स, मैं यानी हनीफ राजा अपनी टीम के साथ पहुंचा मारूफ कॉमेडियन और अदाकार अयाज खान साहब के घर उनसे प्रैंक करने। अयाज खान स्टेज पर कॉमेडी भी करते हैं और उसमें वो अपने लतीफे वगैरह भी सुनाते हैं। उनके लतीफों के कुछ कैसेट्स मार्केट में अवेलेबल भी हैं। इसी बात को बेस बना के हमने किया उनसे प्रैंक। वो अयाज भाई, अयाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सर। नमस्ते। कैसे हैं? ठीक ठाक। वो सर मेरा नाम आमिर रैम्बो है। आमिर रैम्बो जी। मैं ड्रामे वगैरह भी करता हूँ, स्टेज ड्रामे उमर शरीफ साहब के भी परफॉर्म किए और हनीफ राजा साहब के साथ भी मैं काफ़ी ड्रामे किए हैं। मेरे पास कैसे आना हुआ? ये कि यह आपकी कैसेट मैंने रखी हुई है। मारे भाई तो बड़ी। हाँ ये मुझे याद है कि जब ये मैंने ये और कम से कम 15-20 साल पहले गए। 15-20 साल हो गए सर। वैसे तो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन कल मुझे बहुत अफसोस हुआ। किस बात में सर? कल मैंने ये आपकी कैसेट सुनी ना, तो इसको सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इसको सुन के अफसोस की क्या बात है सर? अफसोस तो करना है ना। इस पर जो आपने लतीफ़े सुनाए ना जी, वो सारे मेरे थे। आप वो होंगे आपके लतीफ़े, लेकिन ये जब 15 साल पुरानी है तो ये फिर तो इसमें कोई ये बात नहीं है, तो लतीफ़ा आपके कहाँ से होगा सर? मेरे बात मेरे ही है सर, 1 महीने पहले मैंने इनको बनाया, नए लतीफ़े थे मेरे। आप अपनी आप कुछ नहीं तो आप सिर्फ अपनी उम्र का अंदाज़ा लगा लेना सर। लतीफ़ों का उम्र से क्या ताल्लुक सर? कोई भी सुना सकता नहीं है। मेरे पास आप ये जो आए हैं, मैं समझा नहीं हूँ कि मेरे पास इस वक्त किस सिलसिले में आप आए। सर मैं यही बताने आया था कि ये जो कैसेट में आपने लतीफ़े किए ये मेरे हैं। आपको तो नहीं करना चाहिए था ये लतीफ़े, मैं जूनियर का तो ख्याल कीजिए। अब एक चीज़ अगर 15 साल पहले सुनने के बाद आपने उसको रिफाइंड करके कह रहे हैं आप मेरे हैं मेरे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं। सर रिफाइंड नहीं है, मेरे अपने ईजाद किए हुए। कहाँ से ईजाद किए? कोई साइंसदान है आपने ईजाद किए हैं या आप क्या ऐसी चीज़ है? आप दरवाजे पे आए हैं और दरवाजे पे आपने स्टार्ट ऐसे लिया जैसे चंदा मांगने आए। पहले तो मुझे लगा ये सर मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ये ना करें। आप मुझे समझाने मेरे घर पे आए हुए, मेरे दरवाजे पे खड़े हुए, आप इसको वाइंड अप करें ना। इसको मैं क्या करूँ अब, मेरे कैसेट का मैं क्या करूं? बात सिर्फ कैसेट की नहीं है, आप और जगह भी मेरे लतीफे सुनाते होंगे। अच्छा वहाँ से भी आप, मतलब मेरा नाम नहीं? और आप नाम लेता हूँ आपका जी, आप बहुत बड़ी चीज़ हैं। आप इनका ये अल्लाह बख्शे फलां साहब हैं, इनका मैं आई अब आपको लेते। आप कोई शायर हैं बहुत बड़े, आपका बड़ा नाम है, मैं आपके नाम से शेर सुनाऊं? ये आपका कैसेट है ना? जी मेरा कैसेट है। आप कह रहे हैं मेरा है? जी मेरी नहीं, कैसेट मेरा नहीं, ये फोटो मेरा है। तस्वीर आपकी है ना? तस्वीर मेरी है जी। तो सर आपको शर्म आना चाहिए, आप मेरे लतीफे सुना रहे हैं। देखो एक बेटा बात ख्याल रख लेना जरा सा, मेरे लतीफे तेरे लतीफे ये कोई प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, और दूसरी बात ये हर आर्टिस्ट की अपनी एक पहचान होती है, समझ गए? तो ये आप मुझे ये चीज़ तो कहे नहीं, ये ठप्पे होते हैं दूसरे आर्टिस्टों के साथ। इस बात को मामूली समझ रहे हैं? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जी? क्या प्रूफ करेंगे? प्रूफ ये मेरे आइटम है सर। क्या ये कोई शायरी है? तुम जो बात करो लतीफों के, लतीफे साले सब दुनिया में जिस तरह लोग करते हैं तुमको पता नहीं है क्या? सर मेरी तो किताब भी छपी है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी किताब क्या छपी है? मौत के बाद क्या होगा? हंसी का गोलगप्पा। बात नहीं करो बेटा, चलो जाओ यार अभी जाओ। जाओ नहीं सर, देखे नहीं, ऐसा ना करें। क्या मतलब क्या नहीं करें? मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ ना। तुम क्या चाह रहे हो? मुझे ये बता दो तुम क्या कह रहे हो। सर आप इतने सीनियर आर्टिस्ट हो, एक बच्चे की नकल कर रहे हैं? हाँ बच्चे की। तुम बच्चे हो, तुम गोद में हो। मैं गोद? तुम मुझसे भी 3 साल बड़े हो गए। सर बड़ा हूँ लेकिन फिर तो ख्याल करें ना। बेटा बस बहुत हो गया, अब तुम्हें मैं चाय वाय पिलाता हूँ। मुझे चाय पियो। अगर तुम इसी तरह से घरों घरों जाके इस तरह चंदा जमा करते हो या इसी तरह लोगों को इस तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हो, खामखा की बुरी बात। सर ये टीम परेशानी और मुसीबत से मैंने लतीफे बनाए थे। बैठ के बनाए थे क्या? कुएं में बैठ के बनाए थे? तुमने क्या आग पे बैठ के बनाए थे? परेशानी क्या थी? तुमने कोई मजदूरी की थी? सोचना पड़ता है सर, सोचना पड़ता है यार। चलो अब जाओ यहाँ से। आपने तो जो बने बनाए मिले, आपने बनाए की। हाँ बटे बेटा तुम ये फोटो छोड़ो, अब कल तुम पहुंच जाना मेहंदी हसन का लेके और कह देना की ये गजलें सारी मैंने गाई हैं, उन्होंने गलत किया। नहीं जो मेरा काम है मैं वो आप करता नहीं करो ज्यादा। अब मैं कह रहा हूँ दिमाग तुमको पता नहीं मेरा। सर आप देखिए मैं आपसे तमीज से बात करूं तो आप मेरे घर पे मुझसे चुड़चुड़ कर रहे हो, तो मैं क्या करूं?
और लीजिए भांडा फोड़ने के लिए मैं पहुंच गया और अयाज खान पूरी बात को समझने के बाद हैरान हुए और फिर बहुत खुश हुए। मुझे पता था कि किस बात पे गुस्सा आएगा कि तुमने ये देखो ये सबसे बड़ी जो कॉमेडी करने वाले सारे लोग कहते हैं यार ये मेरा है ये मेरा जो है ये लड़ते हैं ना सब लोग। मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि यार अयाज भाई की कोई पुरानी कैसेट निकालनी चाहिए यार जिसको देख के वो वाकई समझेगा यार ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा आप वैसे इसके लतीफे क्यों सुनाते हैं? आपकी बहुत पुरानी कैसेट किसी से निकलवाई थी तो यार ये मेरे पास नहीं आया था। थैंक यू सो मच। ये आप रखिए, इसमें अंदर तो मेरा ही है ना। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का नाम है हनीफ राजा।